वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाले किशमिश हमारे घर के बनाए हुए हैं। कितने बड़े बड़े हैं ये देखिए, एकदम बड़े बड़े किशमिश घर के बने हुए हैं। और ये हमारे रेडीमेड किशमिश हैं, जो कि बहुत ही इसके मुकाबले बहुत ही छोटे हैं और ये बहुत ही जूसी भी बने हैं। हमने अच्छे अंगूर लेकर घर में बनाए हैं तो बहुत जूसी बने हैं। तो आप इस तरह का एक बार घर में बनाइए। देखिए दोनों में आप कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। देखिए ये हमारे घर के बने हुए हैं और ये हमारे मार्केट वाले हैं। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे अंगूर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आए हैं, तो ये सही समय है कि आप साल भर के लिए अंगूर के किशमिश बना के घर में रख सकते हैं। देखिए मैंने मार्केट से खूब ताज़े अंगूर के गुच्छे लेके आई हूँ और इसे मैं एक एक करके तोड़ लूँगी। हम इसमें जो भी ख़राब अंगूर रहेंगे उसे हम हटा देंगे और जितने भी अच्छे अंगूर हैं, अच्छी क्वालिटी के अंगूर लेके आइएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी के अंगूर आप लाएंगे उतने अच्छे किशमिश बनेंगे। देखिए मैंने लंबे लंबे और जूसी वाले एकदम अंगूर लेके आई हूँ। इसमें जो थोड़े बहुत काले हैं मैं उसको फेंक दूँगी। देखिए इस तरह के से जो इसके मुँह पर थोड़े से काले हो गए हैं इसे मैं हटा दूँगी। मार वाले अंगूर और जो काले हैं वो अंगूर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जितने अच्छे अंगूर हैं उसी अंगूर का हम इस्तेमाल करेंगे। डालकर हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 1 किलो अंगूर है। देखिए यहाँ पे भी हमारे ख़राब हैं, इसे भी निकाल ले रहे हैं और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए इस तरह के अंगूर को हमें बाहर कर देना है। अब हम इस तरह का जाली वाला बर्तन लेंगे और हम इसमें अंगूर को डालेंगे। या आपके पास स्टीमर होगा तो आप इसमें भी स्टीम कर सकते हैं, और स्टीमर भी नहीं होगा तो आप इडली के जो बर्तन रहते हैं उसमें आप थोड़े थोड़ा अंगूर रख के इडली के बर्तन में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से इसे जाली में स्टीम कर रही हूँ। इसमें मैं पूरे अंगूर को डाल दूँगी, इसमें पूरे अंगूर को डालकर अच्छी तरह फैला दूँगी और हम इसे अब स्टीम करेंगे। यहाँ पर हम एक कढ़ाई में पानी चढ़ाए हैं। देखिए पानी यहाँ पूरी तरह गर्म हो गया है और इसमें हम एक प्लेट को पलट कर रख दिए हैं और इसके ऊपर हम एक बर्तन को रखेंगे और रख कर हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रखेंगे। इसे हम ढक देंगे और ढक के हम इसे स्टीम करेंगे। हम मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। अब हम अंगूर को खोलकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाए हैं। देखिए इस तरह का, ये ज़्यादा फटना नहीं चाहिए, इस तरह का अंगूर होए, इस तरह का। इस स्टेज में हम अंगूर को बंद कर देंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये फटा नहीं है। इस तरह का अगर रहेगा तो आप यहाँ पे इसे बंद कर दीजिएगा और हम इसे ठंडा करके इसे हम सुखाएंगे। इसे मैंने 5 से 7 से 8 मिनट के लिए इसे मैं पकाई हूँ। इसका इंडिकेटर ये है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से ये थोड़ा येल्लो में हो जाएगा, तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। हम यहाँ पर इस तरह का एक फर्रा ले रहे हैं, इसमें हम सूती कपड़ा बिछा दे रहे हैं। सूती कपड़ा बिछा के हम इसके ऊपर इन अंगूर को फैला देंगे। अंगूर हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं, अब इसे मैं इस पर फैलाऊँगी एक एक करके। आप अंगूर को थोड़ा दूर दूर पर फैलाइएगा, एकदम पास पास पर नहीं। मैं इसे एक एक करके सब अंगूर को थोड़े थोड़े दूर पर रखूँगी। मिलती हूँ अंगूर पूरा फैलाकर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अंगूर को धूप में रख दिया है, आज पहला दिन है। यहाँ पर मैं एक टिप्स दे रही हूँ, आप अंगूर को उबाल कर किशमिश ना बनाएं। उबाल कर किशमिश बनाने से अंगूर में मिठास कम हो जाता है। इसी तरह हम इसे स्टीम करके बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसमें मिठास बरकरार रहेगा। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कचरा आ रहा है तो आप इसे पतले ओढ़नी या दुपट्टे से इस तरह से ढक सकते हैं। मैं इसे पतले ओढ़नी से इस तरह से ढक दूंगी, इससे हमारे किशमिश में कचड़ा नहीं आएगा और अच्छी तरह सूख भी जाएगा। ये देखिए ये सेकंड दिन का किशमिश है। ये देखिए रिंकल पड़ गए हैं, यानी झुर्रियाँ आ गई हैं, इस थोड़े सूख गए हैं। ये सेकंड डे है, एक दिन या दो दिन और लगेगा इसे सुखाने में क्योंकि अभी धूप थोड़ा कम है। देखिए थर्ड डे हमारा किशमिश इस तरह से तैयार हुआ है।
ये पूरी तरह सूख गया है, अब इसे हम स्टोर कर सकते हैं। आप देखिए हमारे किशमिश कितने बड़े बड़े बने हैं, मैं पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए साइज कितने बड़े हैं। इस तरह आप घर में आसानी से किशमिश बना के साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसे मैं खाली जार में स्टोर करके रख दूँगी। इस तरह से स्टोर करके आप इसे पैक करके आप फ्रिज में रखिए, सालों साल चलेगा। आपको मेरी होममेड वाली किशमिश की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।